वभिमन्मल दतेहा वप्सिप्ताये वशिप्लाहे वमावनिये जकी वबिसजाओ दे वबिलबाकिरे वसाउदि के हक्कन वबि मूसा वरिदान बेतकीन बेनकीन वबिजिल अस्करी वल हुज्जतिल काइम बिल हक्के बुलंद सलावा अल्लाजी यजरिबो बिसैफ बिहुक्म नदलीन बेतकबल बेकबूलन हसन बे दौना बे मोहम्मदन बे मोहम्मदन बे अलियन बे अलियन मिलके नाराय है दरी जिंदो सलामत रहो आबाद शाद रहो नारे तकबीर माशाल्लाह काफी मजमा है। कायनात खालिक का नाम बहुत बुलंद है कि उस मालिक ते खालिक दा साबित घाटे एहसान नहीं कि सानू अली जैसा इमाम अता कीता है। कायनात खालिक का नाम बहुत बुलंद है बुलंद नाम चाहो नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहि सलातु वस्सलाम जिस सद्दा मालिक अली हद खड़ा करके ना रहे है दरी या अली मुश्कलम व कुशा अली हुसैनियत हर जुबान बोले जी हुसैनियत यजीदियत यजीदियत आले मोहम्मद दुश्मना ते लानत दो जहाना जी सैन दे मुनकरा ते लानत दुआ है करीम अल्लाह तुहाडे इस मुकद्दस जगह ते चुराया निहायत वाजिब उल एहतराम इज्जत माप मेरे भाइयों का पुरखलूस है तमाम लंगर नियाज खर्च खराजात मालिक अल्लाह अपनी बारगाह दे विच कबूल ते मंजूर फरमा सारे आमीन आखना तुहाडे वास्ते दुआ कर रहे हैं। दुआ है करीम अल्लाह जड़े बीमार ने सेहत कुली अता फरमा जड़ियाँ जोहलियाँ बे औलाद ने जिक्र दे सदका मालिक अल्लाह हयातियाँ वाले मातमी अता फरमा जितने भी मोमिन बुजुर्ग नौजवान छोटे भाई परदेश मामा बहन बेटियां ने एक मकसद लेके पाक जिक्र शुराइयन पाक सैयदा दा करीम लाल तमाम ने एक मकासद पूरे फरमावे लखा दुआ का दुआ हुज्जतुल्लाह अमरुल्लाह बकियतुल्लाह शहनशाह मुअज्जम इमाम असर द मालिक जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा सलवात सारे मिलके ऐसी पढ़ो थोड़े सारे सारे दे गुनाह माफ हो जाए हुक्म दी तामील हो गई वादा वफा हो गया जनाब दे शेरें दी ज़ियारत हो गई यादत है सजदा जिक्र पेश करा नौकरी का आगाज चार मिसरे जनाब जी नफीस समातों के हवाले करना चाह रहे हैं तो फिर फैसला करेंगे जाफरी साहब कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए है। कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है मेहरबानी जी जितने हाथ उच्चे हो गए ने उन्होंने मैं वावा कर दा उन्होंने मैं सलाम कर दा कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है फिर सुनो कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है हजार जतन के बाद कहीं जाके खुदा मिलता है 71 लाशें उठा के जो सजदे में सर रखे उसे जाके नहीं आके खुदा मिलता है। ए मयार है ए मयार है सुजात खुदा मातमी का हाथ ऊंचा देखना चाहना है दरी मेहरबानी जी बोलो है दरी बहुत शुक्रिया जी इमाम हुसैन दोनों बाद मखदूम कायनात वाली नस्लों तरह शुक्र गुजार हाँ जी थोड़ा तुसे शफकत शफकत फरमाइए इतने ठंडे मौसम दे कमाल मयार समाज 71 लाशें उठा के जो सजदे में सर रखे क्या सर भाई उसे जाके नहीं मैं जिसमें सांस लेता हूं हवा करबल से आती है मैं जिसमें सांस लेता हूं हवा करबल से आती है मेरे दिल के धड़कने की सदा करबल से आती है सरे मिंबर में कहता हूं मेरा शब्बीर राज़िक है सदा लंगर पे पलता हूं खिजा करबल से आती है। मेहरबानी भाईजान
आत्मी हाथ ऊंचा जावे वे सीने दी ताकत नाल सारे मिलके बोलना जितने बार बैठी है जितने अंदर पिंडाल तशरीफ फरमाने हैदरी बहुत शुक्रिया जी इमाम हुसैन सरकार तुहाडी नस्ल अंतराम फरमाओ दुआ दे के जा रहे हैं ये जिक्र ये आजादारी गादी शहनशाह तुहाडी नस्ल च जा रही है सारी चलो इतना सोहना समात फरमाए इस सुनिया करके अगलिया चंद सत्रह जनाब जी नफीस समातों के हवाले लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन बुजुर्ग दुआ फरमा रहे ने बड़े भाई दुआ फरमा रहे ने लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन दुखी ना करना मैं हुसैन सत्र सुना लगा आहिस्ता आवाज मगर गल जाफरी साहब वड्डी करन लगा लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन जबी को चूमा है बड़े खलूस के साथ के अपने जौन को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन सुभान अल्लाह ये थोड़ा फकत खाली हाथ ऊंचा नहीं हो रहा ताईद वास्ते हाथ बुलंद हो रहे हैं मातमिया दे सारे यार याकना आखिरी भाई ते मिलते हैं हैदरी खाजा साहब जिंदगी दराज भाई जान आप जिए सलामत रहे भाई जान पुत्रा दी हयाती उन्हें लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन जबी को चूमा है बड़े खलूस के साथ कि अपने जौन को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन जिन्हें समझ आई मैं किया करे उनका हाथ ऊंचा हो गया तो जरा किसी सोच मुबतला है उनके गल ही नहीं मेरी उन्होंने की पता मैं की पढ़िया है दरी तुहाड़ी क्या बन तुहाड़ी मोहब्बत ही क्या बन चलो सत्रह बात रिपीट करा तो एक नतीजा देना भाईजान लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन जबी को चूमा है बड़े खलूस के साथ कि अपने जौन को यूसुफ बना रहे हैं हुसैन रसूल नाका बने हैं मेहार हाथ में है इमाम हो के नबूवत चला रहे हैं हुसैन शुजातपुर वाले मयाखरे यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है ये सुन लिया है कि नेजे पे आ रहे हैं हुसैन शिया बंदा हाथ ऊंचा करे सुनी भाई साडा मेहमान है भावे चुप करके बवे शिया हाथ ऊंचा करे बोले हैदरी मेहरबानी जी मेहरबानी जी पाक बीबी आवाज मालिक वाली नस्ल अंदर बहुत शुक्रिया भाई जी मेहरबानी जी नौकर है भाई जी जितनी दफा कहे मैं नौकरी करूं बिस्मिल्लाह यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है ये सुन लिया है कि नेजे पे और बताओ खून के मातम से रोकने वालों वो क्या करे जिसे याद आ रहे हैं हुसैन बहुत शुक्रिया जी एक नज्म तिलावत करना चाह रहे हैं हुक्म काफी सारे ने मगर एक नज्म चुके काफी सारे बंदे भौंकते ने अली दे पाक बाबे दी इज्जत ते और रबी अव्वल दा महीना दो हस्तियां दे नाम दे नाल मनसूब है क्योंकि उस महीने दे विच आमद भी है तखली के वजह कायनात फखरे मौजूदात दाने सबुल मौलाए कुल ताजदार अंबिया खत्म नबूवत हसनैन करीमैन दे पाक नामे और फिर रबी अव्वल दे महीने दे आखिरी आयाम जड़े ओ मखसूस ने अबुल आईमा माहे मक्का अलका पढ़ रहा अली दे बाबे दे अलका पढ़ रहा रईस मक्का एक बंदे आख्या ना सरकारे अबू तालिब नू
ना लेना जरूरी नहीं समझता। उस आखे अबू तालिब तू भी अपने पुत्र ना लड़ा तो ना मैं लड़ा, क्योंकि तू भी अरब का सरदार है तो मैं भी अरब का सरदार हाँ। जलाल आ गया अली दे बाबे दे चेहरे ते, फरमाया बकवास बंद कर, तू अरब दा कमी है सरदार सिर्फ अबू तालिब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबान। माहे मक्का, शाह आजम, अमीर अमीरुल मोमिनीन, खैर खाहे खैरुल बशर, हाँ बहुत शुक्रिया भाई जी। अलका पढ़ दे रहे थे, काफी वक्त गुजर जाएगा, चूंकि मखसूस ही है हर जाकिर दिया पांच पांच छह छह मजालिस, मगर इतने भी वादा ही अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा हो गया। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक मुकम्मल तफसील नौकरी होशी नज्म तिलावत करना चाह रहे हैं। और ये नज्म जी है ना भाई जान, इस दे एक मिसरा है नबियों के सुल्तान मुहम्मद की इज्जत का, और एक मिसरा है सरकार अबू तालिब बादशाह। सुन सो तो नौकरी का हक इस दुआ कर दे वैसे। मुहम्मद को, आवाज खुलिएगा थोड़ी सी, मुहम्मद को जना कंबर साहब जी हस्ती ने सुने, सही मंजूर साहब मलिक अली जाफर अलवी साहब अल्लाह मकाम हो, दुआ फरमाना। मुहम्मद को जो कांधों पे उठाता है अबू तालिब, इन गलों से जरूर बोलिया करो, इन गलों से बोलोगे ना तो फिर इस मिंबर तो नहीं पढ़िया जाएगा, मर हम लम्या पास आई फरमाइश तो जो है मेरी गुजारिश, चूंकि जमाने नु अदब तकसीम करने वाले का मिंबर है तो इतने अदब पढ़ना चाहिए सर चावना, मेहरबानी भाई जान। मुहम्मद को जो कांधों पे उठाता है अबू तालिब, मुहम्मद को जो कांधों पे उठाता है अबू तालिब, बिना जिब्रील के आयत सुनाता है अबू तालिब। भाई क्या मयार है यार, भाई क्या मयार है, खुदा की कसम है हक अदा आ गया है, मिलके बोलो है जरी मेहरबानी खान साहब, मेहरबानी जाफरी साहब, माँ हुसैन को ना बात रखे भाई, कमाल हो गई राधी खलोता, बिना जिब्रील के आयत सुनाता है अबू तालिब। कौन अबू तालिब? आखिरी भाई दिन सर्च में गल करिया खरिया, मुसीबत में रुखे यासीन जब फरियाद करता है अबू तालिब के हाथों से अली इमदाद करता है। शाबाश शाबाश, बोले अगर उस बात सदी इज्जत जमाना दुश्मन है शकीदा हाथ ऊंचा है गरी जी। बहुत शुक्रिया जी, तुम्हारी क्या बात है जी, तुम्हारी मोहब्बत की क्या बात, बिस्मिल्लाह करा। बिना जिब्रील के आयत सुनाता है, खैर बोलोगे तो लुत्फ आएगा, बिना जिब्रील के आयत सुनाता है अबू तालिब गल करिया खरिया, मुसीबत में रुखे यासीन जब फरियाद करता है अबू तालिब के हाथों से अली इमदाद करता है, यदुल्लाह को भी उंगली से चलाता है अबू तालिब। शाबाश शाबाश शाबाश, बल्कि हैदर सारे यार आखना।
جعفری صاحب مل کے آئے دری بہت مہربانی جی مہربانی بھائی جان پاک بی بی آباد رکھے آئے ہائے ہائے ید اللہ کو بھی انگلی سے چلاتا ہے اللہ اکبر حال تک تے میرے وجود تے نشہ تاری نے اس مصر دا جڑا مصر میں پڑھوں پتہ نہیں شجاعت پورا لے جلال پور پیرا لے کس معیار تے سن سن نوکر دیے صدر آخری بھائی تے سر چاونا مسجد چلے جائیے نے تے چوتھے نمبر تے میرے مرشد علی دا نام لکھیا ہوندا ہے چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر حسین تے کھلوتا ستر میں تھوڑی داد واسطے پڑھا المین دے درمیان کھلو گیا آخر میرا گلا سائی نصیب نہ ہو اگر گلد میں حق دے کرا تے پھر توڑے تے واجب نہیں آج بھی ستر سن کے ایج بولنا اگلی مجلس سے جانے دے سب دلدہ توڑے حق اس دعا کرے آخری حلال دے سال جو نئی مجلس میں چل دی سپیکر دے سامنے کھلو کے سب دلدہ چیلنج کر کے گھر کریا کرے علی الحمدللہ میں محمد کا خلیفہ ہے شاباش شاباش کیا معیار ہے کیا معیار ہے مل کے حیدری سبحان اللہ مہربانی بھائی جان مہربانی جی پاک بی بی آباد رکھے جڑے ہاتھ اچے پہ ہوندے نے انشاءاللہ ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو امام حسین بانیاں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے مخدوم آباد رکھے بھائی بہت شکریہ مہربانی بھائی جان امام حسین تہاڈی توفیقات وچ اضافہ فرمائے اے صدقہ ہے سرکار ابو طالب بادشاہ دا تہاڈا وی دل کرے تسی وی دے سکدے تو جے میری گزارش تے سر چمن نے حسین بنا جبریل کے آیت سناتا ہے ابو طالب ید اللہ کو بھی انگلی سے چلاتا ہے ابو طالب مصرت نگارے میں بات کریا کھڑے ہاں علی الحمدللہ میں محمد کا خلیفہ ہے خدیجہ کی سخاوت کا ابو طالب وظیفہ ہے میرے وظیفے تو بولے نے انہوں نے میں بابا کر رہے ہیں انہوں نے میں سلام کر رہے ہیں بھائی کیا آپ کمال معیار سماعت ہے مہربانی بھائی جان سارے بولو ناظم ممبر صاحب بھائی جان جعفری صاحب خان صاحب جنہوں نے دعوت ذل شیرہ بھائی جان یاد نہیں آ سکتی وہ لطف لین گے سطر دا گل بڑی سادی تے بڑی سوادی کر کے سنانے لگا آخری بھائی دے سر چمنا علی الحمدللہ میں محمد کا خلیفہ ہے خدیجہ کی سخاوت کا ابو طالب وظیفہ ہے جو سرور کی سنے نا تو سناتا ہے ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی ہاں تو چاوے مات پیندہ مل کے قرآن پڑھو آخری بھائی تھی مل کے حیدری مہربانی جی جو سرور کی سنے نہ تو اچھا ہائے 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 مہربانی بھائی جان جو سرور کی سنے نہ تو یا تے آج تو بعد اتھیانہ چھڑ دیاں گے نیت میں پوری قیمت منگ سان ممبر حسین تے کھلوتا کم از کم شجاعت پورا لیا میرے بات سے چھ کائنات ہوئی تو میں کائنات ایک پاس رکھا جڑی سطر سنا لگا سطر میں ایک پاس رکھا آخری حلال تھی سر چمنا نوکر تو پہلے گل سنی ہوئے ممبر تے کھلو گیا آخر نہ کوئی داد ہے نہ کوئی دعا ہے اگر گل نہ بھی ہوئے پھر تو حق بند ہے نوکر دی محنت مخال سب دعا کرنا کون ابو طالب کس عزت مالک لالا جی میں گل